आज के बेंच के दो सेट ही थे, दो सेट 8 रेप वो हो चुके हैं। अब हम करेंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस और इसमें मैं हैवी नहीं जाने वाला, 30 के ही मैं 2 या 3 सेट लूंगा और ट्राई करूंगा कि जितने रेप्स लास्ट में आए थे उतनी आज निकालूं। बाकी हाँ, प्रोबेबली शोल्डर पे हैवी जाएंगे या शोल्डर पे रेप्स वर्क करेंगे, लेटर रेसेस लूंगा, बहुत टेंशन नहीं लिया। सो हाँ, सो हाँ, इस मशीन पे मैं सिर्फ एक सेट के लिए आया हूँ, बट वो एक सेट में पूरा फेलियर अचीव करने वाला हूँ ताकि फिर मैं लेटर एडजस्ट करूँ और बेसिकली मेरे शोल्डर वार्म अप हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फ्रंट एंड भी ट्रेन हो जाएंगे, होंगे ऑफिस ही बात है। सो 25 लगा, 25 ही ठीक है, बट जी बिल्कुल फेलियर अचीव करूँगा ताकि लेटर एडजस्ट में मजेदार मजा आ जाए, बहुत टेंशन ही करें। सो हाँ, इसका एक सेट और लूंगा और फिर शोल्डर ट्रेन करेंगे इसको। लास्ट सेट है, ट्राई करूंगा कि 10 से ज्यादा रेप लूं, वेट इतना नहीं है बट मैं अच्छा कर रहा हूँ, पता नहीं क्या बोलूं। Young nigga in the city. I'm just in charge of this shit. Can't play. My brush him if I press the button to droop your skull. तो आज मैं सीटेड लेटर एडजस्ट करूंगा ताकि जर कम लूं और सारा फोकस डेल्ट्स पे है। तो पहले सेट देखो। Niggas be capping, bluffing, tweet, that's a hole in your muff, that's a hole in your muff. My stepper gon' brush him if I press the button, too drippy to scuff, too drippy to scuff, the blick in the double. Seated later, is this mera taangon mein phas raha hai dumbbell. To main nahi kar raha, maza bhi nahi aaya. Kham kaha ki bana rakh de, kuch bhi bana rahe the saale. Standing hi sahi hai, achi bad pe nahi ki jaati. Muzzle, so why would I tussle, so why would I tussle? Diamonds dancing flooded, we don't turn nothing to something. Bands, bands. Niggas be capping, bluffing, tweet, that's a hole in your muffin. Last name Blick, so I'm picking a tool up. Blick, gang, blick, gang, blick. My stepper gon' brush him if I press the button too drippy to scuff. Too drippy to scuff. The blick in the duffel, it came with a muzzle, so why would I tussle? So why would I tussle? Diamonds dancing flooded, we don't turn nothing to something. So, हाँ, आज का चेस्ट और शोल्डर वर्कआउट खत्म हो चुका है। अब मैं फोरआर्म ट्रेन करूंगा क्योंकि मेरे पे थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो आज का पंप चेक करते हैं। ज्यादा कुछ खास है भी नहीं वैसे। छोटे छोटे सब मैंने कम से कम 2 या 3 साल बाद आज मैंने तो हाँ बहुत टाइट हो चुकी है जी। हो गया मेरे को बस रेयर डेट्स मैं परसों या कल ट्रेन करूंगा और फोरम आज तो फोरम में दिखा नहीं रहा, सैटरडे को फिर दिखाऊंगा, इससे बढ़िया सैटरडे देखो।
आज का खाना 2 लीटर पानी और 12 अंडे, 4 ब्रेड स्लाइस, नहीं 6 ब्रेड स्लाइस और एक सॉस का मेयोनीज का पैकेट। सो हाँ, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं भाई। मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही है एंड आई हैव टू एडिट दिस वीडियो, और मुझे एक वीडियो और बनानी है अभी। होपफुली जो इतनी तगड़ी नींद आ रही है थोड़ी देर में चले जाए, बट आज का वर्कआउट बहुत तगड़ा था। पता नहीं क्यों मैं इतना स्लीपी हूँ। अभी जस्ट डिनर करा है, 12 eggs एंड 6 slices ऑफ ब्रेड। ये आज की लास्ट मील है, मेरा और कुछ खाने का मन भी नहीं है। ओवरऑल आज बढ़िया डाइट थी और बढ़िया दिन था। बहुत बढ़िया वर्कआउट करा है भाई आज। बेंच के 2 सेट लिए, 80 पे 8 रेप, और उसके बाद इंट्रोडक्शन बनाना भूल गया आज मैंने उस टाइम जिम में आके सोचा भाई इंट्रो देना भूल गया, बट कोई नहीं। सो हाँ, 2 सेट बेंच के करे, 2 से 3 सेट मैंने इंक्लाइन डंबल प्रेस के लिए। और स्टार्टिंग के पहला सेट ना एक मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, और दूसरे में भी मुझे लग रहा था कि ये बेंच थोड़ी ज़्यादा ऊँची है आज नॉर्मल डेज से, तो आई वॉज फीलिंग वेरी वियर्ड ऑनेस्टली। तो मैंने एक नीचे करके फिर दोबारा रिकॉर्ड करा। आज इतने रेप्स मैं लाया भी नहीं, मैं बहुत थका हुआ था। एंड देन वी मूव टू शोल्डर्स, और हमने शोल्डर बढ़िया करे आज भाई। ओवरहेड प्रेस करनी थी, बट स्क्वाट रैक दोनों में से कोई भी खाली नहीं था, तो मैंने डेडलिफ्ट रैक पर बार पड़ी थी। मैंने देखा 10 10 की प्लेटें पड़ी हैं, मैंने एकदम से देखा कर लेना चाहिए। मैंने उस रॉड को उठाया, ये भी बढ़िया है क्योंकि मैं पहले यहाँ से यहाँ तक की जो फोर्स जनरेट कर रहा हूँ वो भी बहुत बढ़िया चीज़ है। सो हाँ, इन टोटल वी डिड 3 सेट्स ऑफ 10 to 12 रेप्स, और मैंने 2 सेट रिकॉर्ड करे थे। फिर लेटर रेजेस करे, पता नहीं क्यों मेरा मन था कि आज मैं सीटेड लेटर रेजेस करूँ, बट सीटेड लेटर रेजेस में मज़ा नहीं आया। प्रॉब्लम सारी ये है कि टांगों में डंबल फंस रहे थे, वो मज़ा नहीं आया, समझ रहे हो। तो उससे बढ़िया स्टैंडिंग लेटर रेजेस लिए मैंने, और बहुत सारे लिए भाई, बहुत सारे। एंड देन वी जस्ट चेक्ड आर, ओए मेरे शोल्डर बहुत सोर है, बिल्कुल ये पार्ट ना सोर पड़ा है मेरा। अभी मैंने एकदम से फ्लेक्स करनी है और आई कुड, ओ भाई ये भी है क्या भाई, शोल्डर तो सोर है मेरे। रिकॉर्ड करा मैंने, और आई कैन अश्योर यू गाइस कि आज का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था भाई। ओवरऑल अच्छा था। तुम ये चीज़ कर सकते हो जो मैंने आज की है, हमने बहुत सारी एक्सरसाइज नहीं करी बट बहुत कुछ करा। मशीन फ्लाई, मतलब केबल फ्लाई, मशीन फ्लाई सॉरी, मशीन चेस्ट फ्लाई भी करी एक साइड, मशीन शोल्डर प्रेस का भी लिया। मशीन शोल्डर प्रेस का एक साइड वो फेलियर अचीव करने के लिए भी था, और कहीं ना कहीं शोल्डर वार्म अप करने के लिए भी था। भाई मेरा ये पार्ट बहुत पेन कर रहा है, सो रूम है बहुत ज़्यादा। सो हाँ, बढ़िया वर्कआउट था भाई आज का। ओवरऑल मैंने अपना पंप चेक करने के बाद कुछ सेट्स मैंने फोर आर्म्स के करे हैं, और कुछ सेट्स मैंने एब्स के, बट एब्स वर्कआउट से तगड़ा फोर आर्म वर्कआउट हुआ था। मैंने स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स लिए, हाथ बिल्कुल सीधा, बस खड़ा हुआ हूँ। बट व्हाट आई वाज डूइंग, मैं ऐसे बताया था, हाथ तुम्हारे सीधे हैं, डंबल को ना आई वाज ऐसे। चलो वो मैं अगले सैटरडे को दिखाऊंगा, बढ़िया वर्कआउट। ठीक है, तुमसे मिलता हूँ कल की वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।